के नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है या कथन किसका है? यह जीडीएच कोल का। ठीक है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? हर्बर्ट साइमन। ठीक है। अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार है? शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार और समान को पहुंचाने का अधिकार सभी है। पहला था शिक्षा का अधिकार, दूसरा है भोजन का अधिकार, तीसरा है सार्वजनिक सेवाओं एवं समान पहुंचाने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अखंडता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देते हैं, इसकी पहली बैठक 1962 में बुलाई गई थी, दूसरा यह एक संवैधानिक निकाय है, तीसरा इसका गठन 1961 में आयोजित राष्ट्रीय अखंडता सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार किया गया था, और चौथा है प्रधानमंत्री अध्यक्ष है। यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कितने विशेष अदालतों की स्थापना की योजना बनाई है? 12। ठीक है। डैश हर वह जगह है, डैश हर राज्य वह जगह है या शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, यह कथन किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य का। ठीक है, सही। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता नहीं है ना? ऑप्शन पहला है जवाबदेही, दूसरा है पारदर्शिता, तीसरा है लाल फीताशाही, चौथा है कानून का नियम। लाल फीताशाही। ठीक है। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? 6। ठीक है। इनमें से कौन विचारक राजनीतिक प्रभुसत्ता की कल्पना से संबंधित है? रूसो। ठीक है। किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? अरस्तु। ठीक है। संसदीय स्वरूप की सरकार में इतना है, डैश इसको ऑप्शन देता है। ठीक। विधान मंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, पहला था। दूसरा कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, तीसरा है विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, चौथा है न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? संघ और राज्य सरकार। ठीक है। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री के मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार का भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? प्रतिनिधियों नहीं, विशेषाधिकार प्रस्ताव। राजनीति विज्ञान किसका विज्ञान है? राजनीतिक इंजीनियरिंग। निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? संस्थाएं हो जाएगा। ठीक है। भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी? नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुष्टि शासन कर दे? पहला है फासिस्टवाद, दूसरा है राजतंत्र, तीसरा है धर्मतंत्र, और चौथा है अल्पजनिषद। क्या था? नहीं है ऑप्शन। इसका आंसर होगा धर्मतंत्र। ठीक है। आजादी के बाद से भारतीय कांग्रेस ने भारत में कितने साल के लिए शासन किया? 49। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है? इंडिया। ठीक है। किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत। ठीक है। डैश लोकपाल
या लोकपाल के समतुल्य नियुक्त करने वाला प्रथम देश है? स्वीडन। ठीक है। राष्ट्रपति भवन वर्ष डैश में बनाया गया था? 1910 में। ठीक है। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? USA में। नहीं, देश नहीं है। देहरादून होगा। देहरादून इसका आंसर हो जाएगा। वेस्ट मिनिस्टर संसदीय प्रणाली को डैश में विकसित किया गया था? UK। ठीक है। भारत का मूल संविधान 1950 में डैश में संरक्षित है? संसद भवन। ठीक है। भारतीय संसद भवन का डिजाइन डैश द्वारा किया गया था? संसद भवन है ना, एडवर्ड लुटियन। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है? एयर इंडिया वन। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश? USA। ठीक है। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? 80,000। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता देश के हाथ में होती है? लोग के हाथ में। ठीक है। सत्ता संरचना का एक ऐसा रूप है जिसमें सत्ता प्रभावी ढंग से व्यक्तियों या परिवारों के एकजुट के कब्जे में होती है? कब्जे में है ना, कुलीन तंत्र में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश है, पहला देश था? चीन। नहीं, इसका आंसर है इंग्लैंड। ग्रीक ने राजनीति शास्त्र को किसकी मूल मान्यताओं के अनुसार देखा? ऑप्शन है तो पहला है नैतिक और विधिक दोनों दृष्टियों से, दूसरा है सत्ता की दृष्टि से, तीसरा है नैतिक दृष्टि से, चौथा है विधिक दृष्टि से। नैतिक दृष्टि से। नैतिक दृष्टि। ठीक है, तो आज के लिए इतना, थैंक यू।